नमस्कार, स्वागत है जनता जनार्दन में। और इस वक्त आप देख रहे हैं देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत, ये दक्षिणी पुरी का एरिया पड़ता है और ब्लॉक नंबर 12 है। और ब्लॉक नंबर 12 में बीजेपी की तरफ से डॉक्टर विनोद कुमार पासवान, जो कि एससी कार्यकारिणी सदस्य है, उनके माध्यम से यहाँ पर वोटर आईडी कैंप लगाया गया है। और वोटर आईडी कैंप में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर तमाम लोग जो है वो कतार पर लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं वोटर आईडी इनके पास नहीं है। और नया जो आवेदन पत्र है वहाँ पर दाखिल करने के लिए तमाम डॉक्यूमेंटेशन के साथ यहाँ पर ये कैंप में जमा किया जा रहा है। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, और सभी से हम बात भी करेंगे किस तरीके से इन लोगों के पास वोटर आईडी छूटी है। क्योंकि जो भी व्यक्ति मेरे नज़र में है और कैमरा के सामने है, लगभग सभी की उम्र देख के मेरे को लग रहा है कि वोटर आईडी सबके पास होनी चाहिए थी। बहरहाल इनके पास क्यों नहीं है, सभी से हम बात करेंगे। मगर जानकारी के लिए ये बताते हैं कि बीजेपी से डॉक्टर विनोद कुमार पासवान जो है यहाँ पर कैंप लगाए हुए हैं, और इनके कार्यकर्ता जो है इनके माध्यम से आम जनता जो है, आम वोटर जो वोटर बनना चाहते हैं, उनके जरिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो लिया जा रहा है। आइए चलते हैं, बात करते हैं लोगों से, क्या कुछ बताते हैं। पहचान पत्र बनाने के लिए। आपकी उम्र देख के लग रहा है आपके पास वोटर आईडी होनी चाहिए थी। कितने वर्ष हो गए दिल्ली में? 20-22 वर्ष हो गए। वोटर आईडी नहीं है? नहीं, बनाते नहीं, बोलते ये आईडी लाओ, वो आईडी लाओ, कैंसिल कर देते, जमा करवाने गए वहाँ से भगा दिए इस तरीके से। मगर ये कैंप किसके माध्यम से लग रहा है? डॉक्टर विनोद कुमार के नाम से। और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? तो मेरा नाम प्रेम वाधवा है। तो सर आपकी उम्र देख के तो लग रहा है कि आपके पास। मेरा तो बना हुआ है, मेरी वाइफ का बनवाने के लिए। जी जी। कौन लगा रहा है यहाँ पर? ये डॉक्टर विनोद कुमार पासवान। डॉक्टर विनोद कुमार पासवान। जी जी। विधानसभा का इलेक्शन के बारे में पूछना चाहूँगा, क्या समझ रखते हैं इस बार किसको वोटिंग करेंगे, क्या कुछ देश दुनिया और दिल्ली की सरकार को देखते हुए क्या बोलना चाहेंगे? देखें, अब जिनके काम अब पूरी टोटलिटी करेंगे, अब जिनके लिए सही लगेगा उनके लिए वोट करेंगे। ओके जी। क्या नाम है सर आपका? आर के गुप्ता जी। आर के गुप्ता। गुप्ता जी, आपके पास वोटर आईडी नहीं है? जी मेरे है, मेरी बेटी का नहीं है। बेटी के पास नहीं? जी। तो आप बनवाने के लिए? जी। फिर और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया जी, आपके पास वोटर आईडी नहीं? किसके जरिए ये कैंप लगाया जा रहा है? जी, डॉक्टर विनोद कुमार पासवान इसके जरिए लगाया। ये आप देख सकते हैं, और भी लोगों से हम बात करेंगे, क्या कुछ विचारधारा है और समझ है, लोगों से बात करते हैं, पता चलेगा। अभी बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है कुलदीप सिंह संधू। संधू जी, आप मुझे बताइए, वोटर आईडी आपके पास नहीं? नहीं बनी अभी तक, एक बार भी नहीं बनी। क्या बात कर रहे हैं आप? उम्र देख के तो लग रहा है कि आप नहीं बनी। मैं पागल छोटी दोबारा आऊंगा, बनी नहीं हमारी अभी तक, नहीं बनी एक बारी भी। कैंप कितने लगा है? ये कैंप तो ये डॉक्टर विनोद कुमार ही हैं। ये तो बीजेपी से है, बीजेपी आम आदमी पार्टी का कहाँ है कैंप? तो हम देख नहीं पा रहे हैं। आम आदमी का तो नहीं है, बीजेपी का है ये, आम आदमी का तो नहीं। बीजेपी अभी फिलहाल के लिए तो जो दिखाई दे रहे काम तो कर रहे हैं बीजेपी वाले। हाँ, बीजेपी वाले कर रहे हैं वो अपने हिसाब से। तो सबका ये वो ही हम पूछ रहे हैं। और कितने फॉर्म मैडम हो गए आज सुबह से? ये जितने भी फॉर्म है 50-60 से ऊपर फॉर्म हो गए हैं आज, और ये लोग अभी खड़े हैं, इनके फॉर्म भी लेने बाकी हैं। आपको एड्रेस वही चाहिए तो फिर वहाँ का बिजली का बिल लेंगे। आप किस लिए आए हैं आंटी? वही इलेक्शन कार्ड पहचान पत्र। पहचान सर, आप किस लिए? आधार कार्ड की तो बनवाने आए थे, आधार कार्ड मांग रहे हैं, बिजली का बिल मांग रहे हैं, किराया। हाँ हाँ, किसके माध्यम से? अब हमें तो पता नहीं, बीजेपी की तरफ से लगा हुआ है कोई। आप आंटी भी, आप किस लिए आए? पहचान पत्र के लिए आए। पहचान पत्र आपके पास है नहीं? हैगा, पुराना है लेकिन मुझे नया बनवाना है। आपके पास है ही नहीं? नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे पास हो गया आपको दिल्ली में? 18 साल हो गए। 18 वर्ष के बाद आप वोटर आईडी से वंचित हैं? नहीं, बस पता ही नहीं, हमें तो कोई किसी ने बनाया नहीं, धक्के मुक्के खाते खाते कोई बनवाता ही नहीं है, कोई सुनते नहीं। तो बीजेपी वाले बना रहे हैं? नहीं नहीं सर, बीजेपी वाले बनाएंगे बिल्कुल। हम बहुत सहमत है सर, बीजेपी पार्टी से बहुत सहमत है। मेरे को 25 साल हो गए दिल्ली में रहते रहते, मैंने 25 साल में कम से कम 25 बार ट्राई किया लेकिन किसी ने मेरा पहचान पत्र नहीं बनाया। 3 बार कैंसिल भी हो गया, उसके बाद फिर मकान मालिक कुछ ऐसे भी होते जो दे देते हैं बिजली का बिल, कुछ ऐसे जो मना कर देते डायरेक्टली, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर। 4 महीने मकान मालिक रहते हैं, उसके बाद कहते खाली कर दो, इससे मैं सर बहुत दिक्कत होती, सबसे मेन पॉइंट ये है सर। हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल सर। तो इस बार ये कौन ये सर? विनोद कुमार पासवान जी ने लगाया है और हम उनके बहुत शुक्रगुजार है। हमारा अगर पहचान पत्र बन जाएगा तो आपका
आवेदन कर दिया करेंगे मतलब उम्मीद है। हाँ उम्मीद है सरकार बिल्कुल। तो वोटिंग को देखते हुए विधानसभा का इलेक्शन भी आ रहा है महीने में, क्या समझ है राजनीतिक समस्या? सर राजनीतिक में तो सर परिवर्तन पूरा पूरा है, परिवर्तन के ऊपर हम भी डिपेंड है, अगर परिवर्तन होगा तो हमारा भी कुछ होगा। परिवर्तन से ही आपका भला होगा। हाँ तो और भी लोगों से बात करते हैं जरा, कर लिया है आप इस बार आवेदन कर रहे हैं? हाँ जी। पहली बार इस बार वोटर आईडी बना रहे हैं? हाँ जी। यंग है आप, तो कैसा लग रहा है आपको अगर वोटर आईडी बन के आती है आप वोट डालेंगे तो क्या समझ रहे हैं आपके बारे में? फिलहाल जो हमारे लिए बेनिफिट हो हम तो उसी को ही फेस करेंगे। ये क्या किसके माध्यम से लग रहा है? डॉक्टर विनोद पासवान ऐसे बीजेपी के माध्यम से लग रहा है? हाँ जी। ये बीजेपी के तरफ से डॉक्टर विनोद कुमार पासवान जो है वो यहाँ पर वोटर आईडी कैंप लगाया हुआ है, इनके माध्यम से आप ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तो ये आप ये देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर आ रखे हैं और वोटर आईडी कैंप लगाया गया है देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत, ये दक्षिणपुरी ब्लॉक नंबर 12 के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर मेन रोड पर डॉक्टर विनोद कुमार पासवान के माध्यम से यहाँ पर वोटर आईडी कैंप यानी कि मतदाता पहचान पत्र का जो कैंप है यहाँ पर लगाया गया है और तमाम एरिया में देवली विधानसभा अंतर्गत हमने काफी कैंप में जाके देखे थे और डॉक्टर विनोद कुमार पासवान लगभग 4-5 या 6 जगहों में हमने उनका रिपोर्ट लिया है तो उनके माध्यम से ये कैंप लगाया गया है। टिगड़ी में है, दक्षिणीपुरी में है और बांध रोड संगम विहार पुलिस चौकी के पास लगाया था उन्होंने, एक भूरा चौक है वहां पर लगाया था और एक कैंप जो है एल ब्लॉक में भी लगाया था और आज ये दक्षिणीपुरी में ये कैंप देख के लग रहा है कि डॉक्टर विनोद कुमार पासवान के माध्यम से एक मुहिम लेके चला जाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को वोटर आईडी कार्ड जो है नया प्राप्त हो और आने वाले विधानसभा इलेक्शन में वो लोग वोट देने में सक्षम रह सके। तो दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ, मिलते हैं फिर नई रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।